हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। रुबिना दिलेक बिग बॉस सीजन 14 तो जीत गई, लेकिन जो वो पैसे जीती हैं उससे वो क्या करने वाली हैं बताती हूं इस वीडियो के जरिए। सुनकर खुशी के मारे आपका चेहरा जो है वो मतलब एकदम चमक जाएगा कि आपने कितनी अच्छी इंसान को जितवाया है। सुनिए, कहती हैं रुबिना दिले कि मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया कि कमाई का हिस्सा समाज को भी देना चाहिए, और ऐसे में उन्होंने ये बोला कि मैं जीते हुए पैसे से अपने गांव में पक्की सड़क बनवाऊंगी और बिजली से उसको रोशन करूंगी। रुबिना दिले हिमाचल को बिलोंग करती हैं। छोटा सा गांव है वहां पर हिमाचल में, वहां की वो रहने वाली है। शिमला के नज़दीक है उनका गाँव। लेकिन इतनी बड़ी बात कि जो पैसे मैं जीती हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जीत के उनको मात्र 22 लाख रुपए मिले हैं, उसमें से जीएसटी भी कटेगा, तो मेरे ख्याल से उनके पास जो अमाउंट आएगा तकरीबन 17 या 18 लाख आएगा। उसको भी वो इन्वेस्ट करने के लिए लग गई हैं, और वो भी मतलब एक नेक काम के लिए, एक समाज के सुधार के लिए। हमारी उसके साथ साथ सुनो क्या बोलती है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जीत गई हूँ, और इसीलिए मैंने सर से, सलमान सर से दो बार कंफर्म करा। और कहती थी कि मैं बिग बॉस शो को कभी भी फॉलो नहीं करती थी, मैं जानती भी नहीं थी कि इस शो का पैटर्न कैसा होता है। हाँ, जब पार्टिसिपेट किया तो इच्छा ज़रूर थी कि शो के फिनाले तक पहुँचूँ। ट्रॉफी जीतना मैंने अपनी किस्मत पर छोड़ रखा था, पर वो कहते हैं ना, जब आप कोई सच्चे मन से काम करें तो ज़रूर सफल होता है, और जाहिर सी बात है इसीलिए इनकी ये इच्छा सफल हुई। इसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि शो के साथ मेरे अभिनव के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, और ये शो मेरी जीत के साथ साथ अभिनव के साथ जो मेरा रिश्ता है उसकी भी जीत है। और बड़ी बात धर्मेंद्र जी के ऊपर क्या बोलती हैं, कहती हैं धर्मेंद्र सर से हमारे रिश्ते के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई, मैं आराधना पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी, आप मेरे साथ देसी पटाखा पर बने रहें। और आज रात से मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगी, रात को 9:30 बजे देसी पटाखा पर। तो आप भूलना ना, बिल्कुल भी मत भूलना मेरे साथ जुड़ना। गुड बाय।